हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि लिब्रा कैल्क में क्या हम सेमीकोलन का यूज करके चीजों को गायब कर सकते हैं या नहीं। जो काम हम एमएस एक्सेल पे कर पाते थे, क्या वो लिब्रा कैल्क में भी कर सकते हैं? तो आइए एक बार शुरुआत करते हैं लिब्रा कैल्क की। तो यहाँ पे लिब्रा कैल्क मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक हाईलाइटेड पार्ट है हमारे पास जो येलो कलर से हाईलाइट है, और इसको मैं थोड़ा बोल्ड भी कर लेता हूं और थोड़ी इसकी साइज को भी इंक्रीज करूंगा ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि क्या ये हाइड हो जा रहा है या नहीं। तो देखिए, हाइड करने के तो कई तरीके हैं। जैसे अगर सपोज कीजिए ये साइन द शाइन इन इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ येलो कलर इसका बैकग्राउंड है और ब्लैक कलर का इसका क्या है, फॉन्ट का कलर है। ठीक है, अगर हम फॉन्ट का कलर येलो कर दे तो क्या होगा? यहां पे देखिए फॉन्ट का कलर मैं चेंज कर रहा हूं और येलो कर दे रहा हूं, तो ये हाइड हो गया, अभी ये दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैं फॉन्ट का कलर चेंज कर देता हूं या बैकग्राउंड का कलर चेंज करता हूं सपोज, तो ये देखिए जैसे ही बैकग्राउंड का चेंज किया कलर फिर से दिखने लगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये दिखे ना, ऐसा हाइड हो जाए कि यहां पे शो ही ना हो। जैसे सपोज कीजिए यहां पे जैसे ही येलो कलर हम करते हैं तो ये फिर ये वापस से शो होने लगता है, हम ऐसा नहीं चाहते। तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो इस पे आप क्लिक रखिए, क्लिक कर दिया हमने, सेलेक्ट कर लिया इतने पार्ट को। अब हमको यहां पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक किया हमने और आपको आना है फॉर्मेट सेल्स पे। ठीक है, ये फॉर्मेट सेल्स वाला डायलॉग बॉक्स आपको एक्सेल में भी मिलता था। ठीक है, यहां पर क्लिक कर दीजिए आप और ऐसा एक बॉक्स जो कि फॉर्मेट सेल्स का एक बॉक्स होगा ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है वो समझिए। यहां पे लिखा आ रहा है जनरल, आपको जनरल पे जाना है। मैंने आपको बताया था कि तीन बार सेमीकोलन लिखने का मतलब यह है कि एक्सेल ये समझ लेता है कि यहां कोई भी वैल्यू लिखी नहीं हुई है तो उसे ब्लैंक कर देता है। तो हमको तीन बार सेमीकोलन प्रेस करना है, एक बिना गैप के, दो और ये तीन। जैसे ही तीन बार सेमीकोलन प्रेस किया तो यहां पे देखिए फॉर्मेट दिखा रहा है कि यहां पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, यानी कि यहां पे कोई भी चीज आपको शो नहीं होने वाली है। तो जैसे ही ओके करेंगे तो यहां की चीजें हाइड। अब आप चाहे कलर चेंज कीजिए, कुछ भी करिए। यहां पे देखिए मैं येलो कलर करता हूं, इसको बैकग्राउंड का कलर चेंज करता हूं, यहां पे ग्रीन कर देता हूं, तो बैकग्राउंड का तो कलर चेंज हो गया लेकिन जो हमने लिखा वो नहीं दिख रहा है। अब यहां पे इसको अगर मैं ब्लैक भी कर देता हूं टेक्स्ट का कलर तो भी नहीं दिखेगा, आप देख सकते हैं। अगर इसको शो कराना है तो क्या करेंगे, वापस से राइट क्लिक करेंगे, जाएंगे कहां, फॉर्मेट सेल्स पे, और फॉर्मेट सेल्स पे जाने के बाद हमें क्या करना है, यहां पर जो सेमीकोलन हमने दिया है उसे देना है हटा यहां से। तो हटा दिया हमने। ठीक है, अब आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। जैसे ही ओके प्रेस किया तो ये दोबारा से विजिबल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी आपके लिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।